गुड मॉर्निंग ऑल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल। टॉपिक है नोबेल प्राइजेस एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ये कई एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, चाहे एसएससी एग्जाम हो, चाहे स्टेट एग्जाम हो, मतलब किसी भी एग्जाम के लिए जहां जीएस सिलेबस का पार्ट है वहां ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देखो इसमें, गुड मॉर्निंग ऑल, गुड मॉर्निंग। सिविल्स का बैच है तो इसमें काफी नए बच्चे भी होंगे जो शायद जानते ना हो पहले से। अन अकेडमी इसके दो प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूं मैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड सिविल सर्विसेज। ईएससी का हम लोग सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं, सब्जेक्ट भी कंप्लीट कर लिए, रिवीजन भी करा दिया, क्वेश्चन भी करा दिए। सीएससी के लिए जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें इकोलॉजी एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, जीके एंड करंट अफेयर्स। इकोलॉजी एनवायरनमेंट ऑलरेडी कंप्लीटेड, नोट्स मैंने शेयर भी कर दिए हैं। सिविल सर्विसेज का जो भी मैंने बैच कंप्लीट किया है, इकोलॉजी एनवायरनमेंट कंप्लीट कर दिया, नोट्स ऑलरेडी शेयर्ड। साइंस एंड टेक अभी चल रहा है, 3 क्लासेस हो चुकी हैं, ऑन गोइंग है। इसकी क्लास होती है 8 PM to 10 PM अन अकेडमी प्लस पे चल रहा है अभी। ये जब कंप्लीट करेंगे फिर जीके करंट अफेयर स्टार्ट होगा, ठीक है। सीएससी जो स्पेशल क्लासेस में करा रहा हूँ, स्पेशल क्लासेस में सीएससी के अलावा और भी एग्जाम को ध्यान रख के कर रहे हैं, जो पढ़े उसको कंप्लीट पढ़े। सीएससी में इसको ध्यान रख, इसको तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा और भी एग्जाम को कवर कर रहे हैं कि कोई भी एग्जाम जो आ रहे हैं वो भी इसके साथ साथ होते जाए। तो स्पेशल क्लासेस मैंने कई सारी प्लान कर रखी है, पूरा शेड्यूल पड़ा हुआ है, 8-10 लगातार स्पेशल क्लासेस कर रहे हैं, शेड्यूल पूरा डाला हुआ है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। सी हियर, टॉपिक इज नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज, नोबेल के बारे में पहले हम पूरी बात समझ लें, उसके बाद लिखेंगे। पहले समझ लेते हैं, अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के थे रहने वाले। अभिषेक राज, ये तो अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में चल रहा है, जो यूट्यूब का होगा मैं अलग से अनाउंस करूंगा। जो अभी चल रहा है पहले वो तो कर लो, यूट्यूब पे क्या कराएंगे वो 5 तारीख के बाद अलग से अनाउंसमेंट करूंगा, पहले ये कंप्लीट कर लो जितना चल रहा है। मैंने पहले ही बोला है जिनका इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम है, अगर वो नहीं भी टाइम दे पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेक्चर रिकॉर्डेड भी रहेंगे ये वाले, और 5 तारीख के बाद फिर से कराऊंगा। अभी मैं जिनका एग्जाम है 5 तारीख को वो ना भी करें कोई दिक्कत नहीं है, ये रिकॉर्डेड भी रहेंगे लेक्चर और दोबारा हम कराएंगे भी उसको। ये फिलहाल सिविल्स का बैच है, इसमें मैं अदर एग्जाम कवर कर रहा हूँ, अलग से भी डील करेंगे। अभी पहले कोई डाउट मत पूछो, मुझे टॉपिक पढ़ाना तो पहले आप देखो। नोबेल प्राइज 1901 में स्टार्ट हुए, फर्स्ट टाइम ये 1901 में दिया गया। अल्फ्रेड नोबेल जो कि स्वीडन के साइंटिस्ट थे, स्वीडन के रहने वाले थे, इन्होंने ही खोजा था डायनामाइट। डायनामाइट इन्होंने ही खोजा था, अल्फ्रेड नोबेल ने, जो कि रहने वाले थे स्वीडन के, स्वीडिश साइंटिस्ट। स्वीडन कहाँ पर है, ये नॉर्थ पोल साइड का जो एरिया है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, हम ऊपर की तरफ देखें वहां ये कंट्री पड़ते हैं। देखो ये एरिया, ज्योग्राफिकली भी देखें, स्कैंडिनेविया एंड नॉर्डिक रीजन, क्या एरिया पड़ता है ये जो जगह है ना, स्वीडन और नॉर्वे, यहाँ पड़ता है स्कैंडिनेवियन माउंटेन। ये ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आप लोगों ने, सिविल्स वालों ने, नहीं भी पढ़ा है तो समझ लो, यहाँ पर जहाँ नॉर्वे और स्वीडन, ये जो एरिया है यहाँ पड़ता है स्कैंडिनेवियन माउंटेन, स्कैंडिनेवियन
स्कैंडिनेवियन माउंटेन पड़ता है। तो स्कैंडिनेवियन माउंटेन थ्री कंट्री हैं जिसको मिला के हम स्कैंडिनेविया कहते हैं। वन इज नॉर्वे, सेकंड इज स्वीडन, थर्ड इज डेनमार्क। ये जो एरिया है इधर का, इसको स्कैंडिनेविया कहते हैं। तो स्कैंडिनेवियन कंट्री आपसे कभी पूछा जाए तो थ्री कंट्री हैं जिनको हम स्कैंडिनेवियन कंट्री कहते हैं। स्कैंडिनेवियन में आ जाता है नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क। क्लियर है? इनमें टू कंट्री को और ऐड कर दोगे तो बन जाएगा नॉर्डिक कंट्री। टू कंट्री को और ऐड कर दिया जाए तो बन जाएगा नॉर्डिक, मतलब स्कैंडिनेविया प्लस एक आप इसमें ऐड कर दो फिनलैंड, एक ऐड कर दो आइसलैंड। स्कैंडिनेविया में फिनलैंड एंड आइसलैंड ये ऐड कर दिया जाए, इसी को कह देते हैं नॉर्डिक कंट्रीज। स्कैंडिनेविया प्लस टू, इन्हें कह देते हैं नॉर्डिक कंट्रीज। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का एरिया है ये। रत्नेश क्या क्वेश्चन है? सर जीके प्लस करंट पूरा कवर करिएगा सीआईएल पॉइंट ऑफ व्यू से। रत्नेश क्यों चिंता कर रहे हो, जो चीज मैंने कह रखी है क्यों परेशान हो? सिविल्स का, जो सिविल्स स्पेसिफिक बच्चे हैं उनको तो मैंने रिकमेंड किया हुआ है कि जो सिविल्स का प्लस कोर्स है वो ज्वाइन करें। सिविल्स वाले बच्चों के लिए मैंने बोला हुआ है सिविल्स का प्लस करें, क्योंकि स्पेशल में मैं करा तो रहा हूँ पर सिविल्स का कवरेज बहुत ज्यादा है, और ज्यादा कवरेज है। सिविल्स वाला जो कोड मैंने बताया भी था, ये वाला कोड है मेरा सिविल्स का, सौरभ आईएएस, ये सिविल्स वाला कोड है। और ईएससी का जो कोड है 2021 के जो बैच लॉन्च होने वाले हैं अभी, इसका कोड है सौरभ जीएस। ईएस वाले का कोड सौरभ जीएस है, सिविल सर्विसेज वाले का कोड सौरभ आईएएस है। तो प्लस प्रोग्राम जिसको भी करना हो दोनों कोड अवेलेबल है, स्पेशल क्लास से ऑलरेडी पैरेलल चलती रहेंगी। कोर्स जिसको ज्वाइन करना हो प्लस वाला, ईएस में ये कोड है, सीएससी में ये कोड है, बाकी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं वो चलती रहेंगी। ठीक है, अभी और कोई क्वेश्चन मत पूछो। क्लास जब खत्म होगी तो लास्ट में 5 मिनट रहेगा, जो पूछना है पूछ लेना, पहले मुझे रिदम मत तोड़ो, पढ़ाने दो पहले। स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेविया में स्कैंडिनेवियन माउंटेन है यहाँ, तो स्कैंडिनेवियन माउंटेन है तो नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क, ये थ्री कंट्री को मिला के बोलते हैं स्कैंडिनेविया। और इसमें टू कंट्री और मिला दें फिनलैंड आइसलैंड, तो पांच कंट्री मिला के हो गए नॉर्डिक, नॉर्डिक कंट्री, नॉर्डिक कंट्री। और एक एरिया है बाल्टिक कंट्री, बाल्टिक कंट्री में आ जाते हैं ये तीन। ये बाल्टिक का देखो एरिया, ये इन्हें कहते हैं बाल्टिक। देखो ये एरिया हम समझ गए, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये हम समझ गए। इसके पास में ये बाल्टिक सी का एरिया, बाल्टिक सी। तो बाल्टिक सी से ये थ्री कंट्री जो बाउंड्री बना रहे हैं, जो यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे, रशिया का वेस्टर्न पार्ट में, रशिया का वेस्टर्न, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये तीन कंट्री को मिला के बोलते हैं बाल्टिक कंट्रीज। कई बार ये क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, नॉर्डिक कंट्री में इनमें से कौन नहीं है, स्कैंडिनेवियन में इनमें से कौन नहीं है, बाल्टिक में इनमें से कौन आता है कौन नहीं आता,
जनरल क्वेश्चन है, उनके मीनिंग क्लियर हो गए हमें। तो नोबल हेडिंग जरूर है, पर हमें आसपास की कई सारी चीजें साथ साथ कवर करनी है। मेरा अपना पढ़ाने का तरीका यह है कि जो भी टॉपिक आए उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें कवर हो जाएं, ओनली वो टॉपिक फोकस नहीं है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें। तो बाल्टिक कंट्रीज में तीन कंट्री आते हैं, लात्विया, लिथुआनिया, इस्टोनिया। लात्विया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, ये तीन कंट्री आते हैं बाल्टिक कंट्रीज में। यूरोप में एक ग्रुप है यूरोजोन, यूरोजोन, यूरोजोन उन कंट्रीज का ग्रुप है जो यूरो को अपनी कॉमन करेंसी मान चुके हैं। यूरोजोन ग्रुप ऑफ दोस कंट्रीज, ग्रुप ऑफ दोस कंट्रीज विच एडॉप्टेड यूरो एज देयर कॉमन करेंसी। वो कंट्रीज जो यूरो को अपनी कॉमन करेंसी मान चुके हैं उनके ग्रुप को कहते हैं यूरोजोन। टोटल इसमें 19 मेंबर्स हैं, टोटल इसमें 19 मेंबर्स हैं। सिविल्स वाले जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो बताएं 19th कंट्री कौन है जिसने लास्ट ईयर ज्वाइन किया। टोटल 19 कंट्रीज मेंबर है यूरोजोन में, 19th कंट्री कौन है लेटेस्ट जिसने लास्ट में ज्वाइन किया इसको, सिविल्स वाले बच्चे बताएं। सब्जेक्ट में इंटरलिंकिंग किया करो, इंटरलिंकिंग करने से क्या होता है दायरा बढ़ जाता है, नॉलेज बढ़ जाएगी, मल्टीपल चीजें जोड़ पाओगे, दूर तक सोचोगे तो काफी कवरेज हो जाएगा। तो 19th नंबर कंट्री जिसने यूरो को अपनी करेंसी मान लिया इसका नाम है लिथुआनिया, लिथुआनिया 19th नंबर कंट्री है यूरोजोन का, इसने यूरो को ही अपनी करेंसी मान लिया है। क्लियर है? वेरी गुड। नाउ वन मोर क्वेश्चन। चाइना का एक प्रोजेक्ट वन बेल्ट वन रोड, कई बार मैंने बताया भी है, पढ़ा भी रखा है पुरानी स्पेशल क्लास में, पढ़ाया भी हुआ है, आप इसी पे कई सारी स्पेशल क्लास देखोगे, उसमें एनआरसी सीए, रोहिंग्या इशू, आर्टिकल 370, वो सब पढ़ाए हुए हैं, साउथ चाइना सी, ये सब पढ़ाया है। तो वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट जो चाइना का है, ये वाला प्रोजेक्ट देखो, ये जो प्रोजेक्ट है चाइना का वन बेल्ट वन रोड, इसका एक वर्जन लैंड से क्रॉस कर रहा है, एक वर्जन सी से जा रहा है, दोनों से ट्रेड के लिए चित्रांश। वेरी गुड। वन बेल्ट वन रोड, इसी का दूसरा नाम है सिल्क रोड प्रोजेक्ट, इसी का दूसरा नाम है सिल्क रोड प्रोजेक्ट, सिल्क रोड प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट में एक तो लैंड से रोड जा रही है, रोड प्रोजेक्ट है, और एक 21st सेंचुरी मैरिटाइम प्रोजेक्ट है। इंडिया को इस पे दिक्कत नहीं थी, इंडिया को तो प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ से 3000 किलोमीटर का रोड प्रोजेक्ट, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडिया को तो उस पे ऑब्जेक्शन थी क्योंकि वो पीओके से क्रॉस कर रहा है। वन बेल्ट वन रोड में से एक लाइन, एक रोड, 3000 किलोमीटर का प्रोजेक्ट, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि चाइना का ये जो ग्वादर इसने पाकिस्तान में बनाया वहां तक जोड़ रहा है, चाइना का जो ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में बनाया है उन्होंने, चाइना ने बनाया है ग्वादर, यहां तक कनेक्ट कर रहा है और ये पीओके से क्रॉस कर रहा है, इस पर इंडिया को दिक्कत है। वन बेल्ट वन रोड से कई कंट्री जुड़े हैं, कई सारे कंट्री चाइना के इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। हाल ही में किन कंट्रीज ने वन बेल्ट वन रोड से कौन से कंट्री जुड़े, लेटेस्ट कंट्री कौन से हैं जो वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा बने हैं, ये मेरा क्वेश्चन है। तो सिविल्स वाले बच्चे ऑलरेडी पूरे साल तैयारी कर ही रहे हैं, बताएं इसमें क्वेश्चन, वन बेल्ट वन रोड से हाल ही में जो कंट्री जुड़े हैं उनको कौन कौन से, अभी बिल्कुल लेटेस्ट कौन जुड़ा है। सिविल सर्विसेज जो लोग दे रहे हो कम से कम वो इस पे बताएं जरा, जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो वो इस पे यस या ऐसे हाथ खड़ा करके ऊपर लिखें, मुझे आइडिया लग जाएगा एक बार कम से कम। इसमें सिविल्स का जो क्राउड है वो बताएं, यस वर्ड लिख दें, यस लिख दें, उससे मुझे पता लग जाएगा।
वन बेल्ट वन रोड से जुड़ा है इटली, इटली जुड़ा है वन बेल्ट वन रोड से, और इटली के पहले किसने ज्वाइन किया है? इटली लेटेस्ट कनेक्ट हुआ है, इटली लेटेस्ट कंट्री है जो वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा बना है, और इससे पहले लातविया, लातविया भी वन बेल्ट वन रोड को ज्वाइन कर चुका है। लातविया ऑल्सो ज्वाइंट वन बेल्ट वन रोड, लातविया ज्वाइंट वन बेल्ट वन रोड। अभी कुछ लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर हम तो नोबेल प्राइज पढ़ने वाले थे, ये हम कहाँ पहुंच गए। अब सुनिए ध्यान से, नोबेल प्राइज 1901 में शुरू हुए थे। एल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के रहने वाले थे, डायनामाइट की खोज की थी इन्होंने। इन्हीं की याद में 1901 से हर साल नोबेल प्राइज दिए जा रहे हैं 5 कैटेगरी में। सुनो ध्यान से, क्यों वो एरिया यूज हो रहा था? शुभम ऐसे क्यों मुंह बना लिए यार, ऐसे अभी तो कुछ ऐसा बताया ही नहीं है, आंसर तो मैंने दे ही दिया। कंफ्यूजन क्या है वो लिखो ना, तो कमेंट तो लिख सकते हो आप। तो नोबेल प्राइज में हमने क्यों वो एरिया डिस्कस किया, उसका रीजन क्या था? नोबेल प्राइज 1901 से दिए जा रहे हैं 6 कैटेगरी में, 5 कैटेगरी में, 6 कैटेगरी बाद में जुड़ी थी। 5 कैटेगरी में नोबेल दिए जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, इसके अलावा लिटरेचर, पीस, और एक है इकोनॉमिक साइंसेस, वन मोर कैटेगरी, इकोनॉमिक साइंसेस। टोटल ये कैटेगरी हैं जिनमें नोबेल प्राइज दिया जाता है। इनमें जो 5 कैटेगरीज हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, लिटरेचर, पीस, इन 5 कैटेगरी का नोबेल कौन देता है? हेलो रजनी, हेलो, इनमें कौन देता है बताओ? इन 5 कैटेगरी में नोबेल कौन देता है? गुड मॉर्निंग ऑल, गुड मॉर्निंग। इन 5 कैटेगरी में नोबेल देता है स्वीडन, स्वीडन। और सेरेमनी कहां पर होती है जहां यह अवार्ड दिया जाता है? इसकी कैपिटल स्टॉकहोम, सेरेमनी होता है स्टॉकहोम में, ठीक है। इकोनॉमिक साइंसेस, एक सेकेंड, पीस अभी हटाओ, ये 4 और ये इकोनॉमिक साइंसेस, यहां तक ये जो अवार्ड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, लिटरेचर, ये अवार्ड देता है स्वीडन, सेरेमनी होता है स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में। पीस प्राइज, नोबल पीस प्राइज देता है नॉर्वे, ये नॉर्वे देता है अवार्ड, ये स्वीडन नहीं देता, पीस प्राइज नॉर्वे देता है। सेरेमनी होती है इसकी कैपिटल ओस्लो में, ओस्लो में। तो 1901 नोबल प्राइज की जब शुरुआत पहली बार जब दिए गए, तो 1901 पहली बार जब नोबल दिए गए, ये 5 कैटेगरी में दिए जाते थे। स्टार्टिंग के 4 कैटेगरी स्वीडन देता है नोबल, सेरेमनी स्टॉकहोम में होती है, पीस प्राइज नॉर्वे देता है, सेरेमनी ओस्लो में होती है। पर इकोनॉमिक साइंसेस ये बाद में जुड़ा है, ये अवार्ड आया है 1968 में, इसकी शुरुआत ही 1968 में हुई है, उससे पहले ये अवार्ड नहीं होता था। इकोनॉमिक साइंसेस 1968 में जुड़ा, और ये अवार्ड भी कौन देता है? सेम स्वीडन, स्वीडन देता है ये अवार्ड। और सेरेमनी कहां पर? सेरेमनी सेम वही जो स्टार्टिंग के 4 लिखे हैं ऐसे ही। तो ये 4 और इकोनॉमिक्स ये देता है स्वीडन स्टॉकहोम में, पीस कैटेगरी देता है नॉर्वे ओस्लो में। ये स्टार्टिंग के 5 1901 से दिए जा रहे हैं हर साल, पर कुछ गैप ईयर भी रहे हैं, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे गैप आ गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे गैप आ गया। तो ये अवार्ड हर साल दिए तो जाते हैं, पर कुछ गैप ईयर भी रहे,